Did you always want to become an actor? We've done that. We know about no, this. No, I don't think so. हाँ नहीं नहीं हसन बिल्कुल नहीं और even सोचा भी नहीं था इस बारे में. और कुछ चीज़ें होती हैं आपकी किस्मत में लिखी होती हैं और अल्लाह ने वो प्लान किया होता है कि यहाँ से गुजर के ये होगा सब कुछ. तो यही मेरे साथ हुआ है. तो we know that you started your career as a VJ. आपने शो होस्ट किए, इसलिए जब आप किसी होस्ट की तारीफ करें तो it should mean a lot. बिल्कुल नहीं, बचपन में वो किया था शुरू और बस अब यहाँ तक पहुँच गए. तो जब when you were growing up, कोई होता ना कि जो एक्टर बनते हैं वो कहते हैं जी हम तो जब छोटे थे तो आईने के सामने खड़े होके वी यूज टू इनएक्ट सर्टेन सीन्स, या फिल्में बहुत शौक से देखते थे या ड्रामे बहुत शौक से देखते थे. तो आपकी ऐसी कोई ग्रोइंग अप कोई ऑनेस्टली कभी कुछ नहीं था. मैं तो मतलब लाइक आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मैं मुझे लगता था कि मैं यही इसी को परस्यू करूँगी, शायद मैं बास्केटबॉल में कुछ कर जाऊँगी, वॉलीबॉल में, बट एक्टिंग के बारे में कभी नहीं सोचा था. और शीशे वाली तो लड़की हुई नहीं मैं कि मैं शीशे के आगे खड़े होकर पता नहीं क्या करूं. बट हाँ ऑफ कोर्स जब शादियां होती थी और जब डांस रिहर्सल्स होती थी फैमिलीज में तो फिर आप थोड़ा बहुत तो वो कर लेते हो. लेकिन अब कोई भी मुझे मिलता तो कहते हैं तुम छुपी रुस्तम थी, तुम हमेशा से करना चाहती थी, पर ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा. तो आप वीजेइंग की तरफ फिर कैसे आ गए? मैंने अपना मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन में, तो मुझे जिसका जो फर्स्ट ईयर था मुझे करना था प्रिंट मीडिया में अपनी इंटर्नशिप, एंड देन सेकेंड ईयर का था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर रही थी मैं कुछ प्रोग्राम्स को असिस्ट कर रही थी, तो वहाँ से कोई होस्ट चली गई, उन्होंने कहा अच्छा ये तुम ट्राई कर लो. तो मैंने ट्राई किया और मैं बुरी तरह फेल हो गई, बुरी तरह. तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये कि वो जो होता ना गिव अप नहीं करना, बस करना है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ. तो फिर उसके बाद एक प्रोग्राम किया, दूसरा किया और साथ ही फिर शुरू हो गया ऐसा. तो फिर वो वीजेइंग से एक्टिंग की तरफ का जम, एक्टिंग के तरफ ये हुआ कि मैं बीच में कुछ स्टिल्स जैसे कोई खावर भाई खावर आजम के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि माया तुम, मैं मतलब थोड़ा सा मेरा वेट ज़्यादा था, थोड़ा सा नहीं जरा ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि तुम मॉडल नहीं बन सकती. अब वो वाली And did you want to become a model at that point? बस मुझे काम कर रही थी और वो एक चीज़ होती है ना कि इंसान की नेचर होती है ये वाली, जिस चीज़ से आपको कहा जाए कि तुम नहीं करते तो आई थिंक उस टाइम पे आपको बड़ी लग जाती है. लेकिन वो अच्छी बात ये थी कि मैंने उसको दिल पे लगा के उसको कहा कि मैं करूँगी और मैं बताऊँगी कि हो सकता है ये, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करो. ये आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, खावर भाई का, कि उन्होंने कोई ऑडिशन था, वो हायसम हुसैन थे उसके डायरेक्टर, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उन्होंने कहा ये करेगी काम. और पहला मेरा प्रोजेक्ट था दुरे शहवार, जिसमें आप सनम बलोच की बहन बनी हुई थी जी. और लास्ट डे था दुरे शहवार का, तो उन्होंने कहा कि तुम लीड रोल करोगी, हीरोइन बनोगी. तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा बड़ा मासूमाना कि सनम बलोच बनूंगी मैं? तो मैंने हंसते हुए कहा हाँ हाँ. और उसके बाद वो सिलसिला आज तक चलता आ रहा है. आपने बड़े प्रोजेक्ट्स किए, ऑन जारा, द्यारे दिल, मन मायल, उसके अलावा भी बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि बड़े पॉपुलर थे. और ये तो वो खैर प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि ब्लॉकबस्टर हिट्स थे. आपको अवार्ड भी मिला मन मायल के लिए, उसके लिए दूसरे के लिए भी आपको नॉमिनेशन तो आपको मिले, प्यारे दिल पे भी आपको अवार्ड भी मिला था और नॉमिनेशन. मुझे बहुत अजीब लगती है बातें हसन, मैं आगे बट ये हो रहा है. अच्छा नाउ वन मोर थिंग, यू नो एट दैट पॉइंट यू वर द मोस्ट सॉर्ट ऑफ sought after Pakistani drama actress. कोई गलत बात नहीं होगी, आपके अवार्ड्स में मेरे नॉमिनेशंस भी ड्रामे भी हैं. बिल्कुल. You take a break from dramas and you go towards films. Why would you take a decision like that at that point? मुझे लगता है कि आप क्या inherently एक risk taker इंसान? नहीं नहीं हसन बिल्कुल नहीं, हम लोग एक्टर्स हैं. ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये ड्रामा एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है. एक्टर एक्टर होता है, फिर वो टेलीफिल्म हो, फिर वो कोई भी चीज़ हो, तो उसने तो काम करना है. तो जब मुझे मन मायल के बाद मुझे फिल्म ऑफर हुई तो मुझे उसमें भी काम ही करना था, एक्टिंग करनी थी. तो मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि अच्छा मैं ड्रामा छोड़ के यहाँ जा रही हूँ. और मैंने छोड़ा नहीं था प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मेरा ड्रामा था, उसको करके मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर चली गई. और उसमें कुछ लुक्स थी जो अली ने मुझे स्पेशली कहा था कि माया इसको अपने लुक्स को यहाँ पर रखना है, रिवील मत करना. मेरे बाल छोटे हो गए थे, उन्होंने मुझे स्पेशली जिम, उनकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया, एक्सरसाइज थी मेरी स्पेसिफिक, तो वो करनी होती थी, उसके लिए टाइम टेकिंग था मेरे लिए. तो वो फिल्म पे टाइम दिया मैंने पूरा. और मैं ड्रामे के टाइम पे भी एक ही ड्रामा करती थी, मैं दो तीन ड्रामास नहीं कर पाती. इवन तो अभी पहली से मोहब्बत का भी यही है. तो फिल्म खत्म, अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी और मुझे परहेट लाफ मिल गई और फिर मैं वहाँ पर चली गई. तो मेरे लिए ये नहीं था कि मैंने ड्रामा छोड़ दिया, फिल्म करूँगी, अब फिल्म ही करूँगी. और फिर मैं हमेशा कहती थी मुझे ड्रामा करना है, एक अच्छा ड्रामा करना है. और वो बस पहले से मोहब्बत आई और मैंने कर लिया. ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं? नो नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म से बड़ा मीडियम है टीवी, और मैं टीवी से ही बनी हूँ, मेरा घर है टीवी, तो मैं उसको तो छोड़ ही नहीं सकती.